सत श्री अकाल जी, तुसी जुड़े हो पंजाबी डेयरीमैन सोलर दे यूट्यूब चैनल नाल। अज दी वीडियो खास है सारे किसानों वास्ते जिन्हां ने सोलर सिस्टम लवाए ने जां फिर जिहड़े सोलर सिस्टम लवाना चाहुंदे ने। बहुत सारे किसान वीर ने जिन्हां ने सोलर सिस्टम लवाए ने, बहुत सारिया कॉल्स आउंदियां ने कि असीं सोलर सिस्टम लवा लिया है पर सोलर सिस्टम की परफॉर्मेंस नहीं बनी, उहदी फ्रैकेंसी नहीं वधदी जां फिर उह सवेरे लेट चलदा है शाम नूं छेती बंद हो जाता है, इहदा की सल्यूशन हो सकता है। इहदे विच्चों बहुत सारे किसान वीर ते ओह ने जिन्हां ने पहलां साडे नाल गल कीती, उहनां नूं रेट ज़्यादा लग्या, फिर उहनां ने सस्ते रेट ते किसी होर फर्म तों सोलर लवा लिया। जिवें इह किसान वीर है पिंड दराज तपे दे कोल, इहनां ने पहलां साडे नाल सिस्टम की गलबात कीती सी, उस तों बाद इहनां ने बठिंडे की किसी नामवर कंपनी तों इह सिस्टम लवा लिया, पर बाद विच हुण इन्हां नूं प्रॉब्लम आउंदी पई है। लगभग महीने सवा महीने के बाद ही इन्हां नूं प्रॉब्लम यह आउंदी है कि इन्हां दी मोटर का पानी नहीं पूरा होया, जिन्ना पानी ये चाहुंदे सन उन्ना पानी नहीं दिता मोटर ने, ते माड़ी जी धुप्प घटन ते ही मोटर ट्रिप कर जाती है। 41 फ्रैकेंसी तो जदों भी मोटर डाउन जाती है तो मोटर बंद हो जाती है। जिन्हां तों इन्हां ने सिस्टम लवाया है डेढ़ महीने बाद भी वह इन्हां दी गल नहीं सुनते पे। उत्तों उन्होंने सोलर मोटर की थां ते इत्थे लूबी कंपनी की नॉर्मल मोटर वरती है, जिदे करके परफॉर्मेंस नहीं बनती, मोटर जिहड़ी है वह ज़्यादा कंजम्पशन है, उहदी ज़्यादा पावर यूज़ करती है, तो मोटर घट धुप्प दे विच छेती ट्रिप कर जाती है। सो बहुत बार किसान वीरां नूं बेनती करते हुंदे आ भी जिहड़ियां नॉर्मल ग्रिड मोटर ने वह चाहे किड्डी भी वधिया कंपनी दियां होण वह ज़्यादा अंपेयर लैंदियां ने सोलर मोटर नालों, इस करके वह मोटर ना वरतो। पर फिर किसान वीर घट सस्ते रेट के चक्कर दे विच इदां दे सिस्टम लवा लैंदे ने ते बाद विच परेशानी का सामना करना पैंदा है। बिल्कुल नवां सिस्टम लवाण दे बावजूद भी एक डेढ़ महीने बाद ये लूबी की मोटर कढ के हुण इत्थे सोलर की मोटर पाउण लगे आ। किसान वीर ने पहला पूरा खर्चा करता है, हुण दुबारा फिर मोटर ते लहदा खर्चा करन लगे ने सोलर की मोटर ते, ते सोलर की मोटर इत्थे पवाउण लगे ने। सो इदां दे झंझटां च ना फसिया करो, जदों तुसीं किसे सोलर सिस्टम वाले नाल गल करदे हो ते पहला ही ठोक के गल करिया करो भी भाई मैं सोलर की मोटर लवाउण लगा ते मैनूं सोलर सबमर्सीबल मोटर ही चाहीदी है, क्योंकि ग्रिड मोटर ने जिहड़ियां उह बाद विच पाणी घटा जांदियां ने। सोलर सिस्टम लाने वाले दुपहरे जे आ के तुहाडा सिस्टम चला जाते हैं, उस टाइम तो पानी पूरा हो जाता है, पर जो मौसम दे विच बदलाव होंदा है उदो फिर तुहाडा यह सिस्टम प्रॉब्लम कर लग जाता है। तो साढ़े कोल पहला भी इदा दियां बहुत सारिया उदाहरणा ने, जिदा खड़क सिंह वाले भी एक मोटर 5 हाउस पावर की आपां चेंज की सी, इसे फर्म तो सिस्टम लगे वह भी, तो उत्थे भी उन्होंने लूबी की मोटर यूज़ की। 2-2.5 साल खज्जल होने बाद किसान ने उत्ते हुण नैसा की मोटर पाई है। सिस्टम लवाण तो 2-2.5 साल बाद जाके हुण जिमीदार संतुष्ट होया, जिन्ना पानी उन्होंने चाहिदा सी उन्ना पानी उन्होंने मिलया। नैसा बहुत वधिया ब्रांड है, बहुत वधिया मोटर ने। एक होर खास गल का ध्यान रख्या करो भी सोलर मोटर के उत्ते वेखो लिखा हुंदा है सोलर मॉडल। जदों किसान वीर इन्ने पैसे लाउंदा है, घट्टो घट किसान वीर नूं जदों उहदे कोल समान आउंदा उहनूं चैक करना चाहीदा है भी जिहड़ी मोटर साडे कोल आई है, जिहड़ी मोटर साडे बोर दे विच पैणी है वह सोलर दी हैगी भी है कि नहीं। मोटर ते पंप दे 2 बॉक्स हुंदे ने, मोटर दे बॉक्स दे उत्ते भी सोलर मॉडल लिखा हुंदा ते पंप दे बॉक्स दे उत्ते भी सोलर मॉडल लिखा हुंदा। जिहड़ी मोटर सोलर दी हुंदी है उहदे ते, जो मोटर ग्रिड दी हुंदी है उहदे ते किते भी सोलर नहीं लिखा हुंदा, क्योंकि वह नॉर्मल ग्रिड मोटर हुंदी है। इह नैसा कंपनी दी मोटर है, तुहानूं विखाने आ। पंप दे मोटर दे बॉक्स ते भी सोलर लिखा ते मोटर दे उत्ते भी बकायदा सीरीयल नंबर लगा है, मोटर दे उत्ते नैसा कंपनी दा लोगो है ते सोलर पंप सैट दे उत्ते लिखिया होया। सो इह ते गल हो गई मोटर दी कि मोटर भी बहुत मायने रखदी है सोलर पंप सिस्टम दे विच, जे तुहाडी मोटर नहीं वधिया ते तुहाडी परफॉर्मेंस पंप दी नहीं बननी। इस तों बाद गल आउंदी इंस्टॉलेशन दी, इत्थे तुसीं इंस्टॉलेशन चैक करो, इत्थे किते भी डीसी वायर नहीं वरती गई। पैसे बचाण दे चक्कर च जिहड़ी घर दे विच फिटिंग हुंदी है नॉर्मल तांबे की तार वरती गई है, जदों के इत्थे पैनलों तो जिहड़ी डीसी इलैक्ट्रिसिटी आउंदी है उहदे वास्ते डीसी वायर वरती जानी चाहीदी सी, पर इत्थे पैसे बचाण दे चक्कर च जिहड़ी फर्म ने सोलर सिस्टम लाया है उन्होंने पतली घट MM दी ते तांबे की तार वरती है। इहदे नाल काफ़ी लॉस हुंदा इलैक्ट्रिसिटी का, जदों डीसी इलैक्ट्रिसिटी ड्राइव तक प्रॉपर नहीं पहुँचती तो अगे भी मोटर की परफॉर्मेंस नहीं बनती। फिर तुसीं इह नोट करो भी इह पैनल का कनैक्टर कट के सीधी तार लाई गई है कि कनैक्टरां दे पैसे भी बचन। इहदे विच याद रखो सोलर मोटर दे विच कदे भी किते भी टेप रोल दा कोई काम नहीं, इदां दे कनैक्टर हुंदे ने। पैनल दा कनैक्टर कट्टन तों बाद पैनल दी वारंटी खत्म हो जांदी है,
ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 6 ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਨੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਟੇਪ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਲਈ MC4 ਕਨੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਵਾਰੰਟੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋੜ ਲਾਏ ਨੇ, ਟੇਪ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੋੜ ਨੇ, ਟੇਪ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਾਧੂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਲੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤਾਰ ਮਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਮੋਟਰ ਦੂਜੀ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਸਟਰਕਚਰ ਹਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਸੋਲਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਣ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਮੋਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨੈਸਾ ਦੀ ਮੋਟਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7.5 ਹੌਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। DC ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ DC ਵਾਇਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ।